काफ़ी डॉक्टरों से सलाह ली, मैंने सर्च भी किया काफ़ी कहाँ कैसे रुक सकता है, मैंने मेडिसिन भी ली, काफ़ी दूसरे नुस्खे भी अपनाए। लाइक मेरा नाम गोपाल है, मेरी एज 33 साल है, मैं हरियाणा रेवाड़ी से आया हूँ। तो हेयर फॉल से पहले मेरे काफ़ी अच्छे बाल थे। मैंने जैसे ही जॉब स्टार्ट की तो मुझे सिटी चेंज करना पड़ा, तो मैं दूसरे सिटी में चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ। तो वहाँ पे थोड़े थोड़े दिनों बाद मुझे लगा कि पानी की वजह से या कुछ जेनेटिक की वजह से ऐसे लग रहा है कि हेयर फॉल हो रहा है, काफ़ी थिनिंग हो गई थी हेयर की, और फिर धीरे धीरे बोल्डनेस भी बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने काफ़ी डॉक्टरों से सलाह ली, मैंने सर्च भी किया काफ़ी कहाँ कैसे रुक सकता है, मैंने मेडिसिन भी ली, काफ़ी दूसरे नुस्खे भी अपनाए। तो दवाइयों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो काफ़ी सजेशन मिले कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, आप पैच लगा सकते हैं, लेकिन पैच का मुझे कोई सोल्यूशन दिखा नहीं। तो मैंने, क्योंकि आपको बार बार उसकी केयर करनी पड़ती है, मुझे लगा कि हेयर पैच यूज करना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको उसकी केयर पहले जैसे वालों करती वैसे ही करनी पड़ेगी, और उसकी सर्विसेज और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं रेगुलर बेसिस नहीं कर सकता था। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है, मैंने अपने, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ तो मैंने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मैंने काफ़ी सुना था कि उधर भी अच्छे हॉस्पिटल है, मैंने काफ़ी सर्च किया है, मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सी वीडियो देखी है, लोगों से सजेशन भी मिले कि आप इधर करा सकते हैं, उधर करा सकते हैं, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, उसके बाद ही मैंने यहाँ आने का निर्णय लिया था। यहाँ आने से पहले मैंने QHC टीम से पूछा था कि मेरी फ़ोटोज़ मंगाए गए कि आप एक बार फ़ोटो भेज दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोक्स बता देंगे। तो मुझे यहाँ 4,000 से 4,500 ग्राफ्ट ग्राफ्ट के बारे में बताया गया कि इतना अप्रोक्स हो सकता है, और यहाँ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है इधर का। तो अभी मैं सर्जरी के बाद मैं बताऊँगा कितना पेन होता है, कितना टाइम लगता है, और मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूँगा। तो बने रही है वीडियो पे। तो मुझे 5,000 ग्राफ लगे हैं, और मेरा QHT टेक्निक से हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगा। तो सर्जरी करा के मैं बड़ा ही खुश हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सब अच्छा ही रहेगा मेरे, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सर्जरी करने के बाद इन्होंने, यहाँ के जो भी स्टाफ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या मेडिसिन लेनी है, क्या केयर करना है, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मुझे बताई। अगर कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहा है तो मैं चाहूँगा कि वो QHT आए, बेस्ट क्लिनिक है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो मैं आपको, सब लोगों को मिलूंगा, मेरे पास भी आते हुए, और अपना रिजल्ट भी सौंपूंगा। थैंक यू QHT। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.